বলছো, বলো বলে বেচে वो जो डीपीपी मैंने आपको दिया वो आप कब सॉल्व करोगे बच्चे और कब मेरे से उसको डिस्कस करोगे? शाबाश, बोलो। है कोई टाइम? कोई टाइम आपने सोचा हुआ है? है कोई टाइम बच्चे कि नहीं? मेरी आवाज जा रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चा? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा मेरी आवाज अगर आ रही है, मैंने सिंपल इतनी सी बात पूछी है, वो डीपीपी अब आप कर चुके हो, अगर कर चुके हो तो बच्चे कहाँ तक कर लिया है, और दूसरी उसकी डिस्कशन कैसे करनी है, आगे डीपीपी वाइज करनी है या सर हम तीनों डीपीपी कर लेंगे, या फिर सर हम डीपीपी नहीं कर पाएंगे, आप हमें एक एक क्वेश्चन करा दो, बाकी कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई पॉइंट हमें खत्म करना पड़ेगा ना बेटा, कि सर वो डीपीपी हम नहीं कर सकते हैं, आप हमें करवा दो, सर वो डीपीपी हमारी 2 दिन के बाद डिस्कस कर लो, सर 3 दिन के बाद डिस्कस कर लो, क्या लगता है बच्चे मैं करवा दूं कैसे हो पाएगा बच्चे? बोलो, शाबाश, बोलो। हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। देखो, अगर इस तरीके से आप चुप रहोगे तो ये कोई नॉन कम्युनिकेशन वाली जो चीज होती है बच्चे, ये आपको बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जाएगी, ठीक है? क्योंकि अभी तो आप नॉन कम्युनिकेटिव हो, अभी आप बोल नहीं रहे हो, मैं तो आपको ये ऑप्शन भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये खुद बोलना पड़ेगा कि सर हम डीपीपी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें करवा दो, ये आपको बोलना पड़ेगा बच्चे। अदरवाइज क्या होगा कि डीपीपी, अगर मैं दूसरे बैचेस की बात करूँ तो दूसरे बैचेस वाले डीपीपी को सॉल्व करते हैं बच्चे, और उस डीपीपी को बहुत अच्छे ढंग से बच्चे जो है बच्चे वो क्या करते हैं, पूछते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह। अभी भी जो बच्चे, अगर आप बोला जाए कि टाइम लग जाता है, केवल 2 बैचेस के बीच में से कॉल आ जाती किसी बच्चे की, टाइम लग जाता है, लेकिन वहां पर ये कि अगर आप नॉन कम्युनिकेटिव रहोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे बच्चे। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अभी भी आपको आपका टेस्ट MCQ बेस्ड आने वाला है, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप में से कोई बच्चा अभी भी उसको ये लगता है कि मैं डेफिनेशन पढ़कर निकाल दूंगा पेपर, तो नहीं निकाल पाओगे। CBSE का सर्कुलर आ चुका है और CBSE ने साफ कह दिया कि बच्चे MCQ की तैयारी करें, और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, हो सकता है कि नीट और JEE का पेपर इसी MCQ के बेस्ड के ऊपर ना दे दे टीचर। तो अब ये बच्चा आपको देखना है ना, कि अभी आप एक टीचर से बच्चे आप बात करके राजी नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ मुझे। आप अगर आप किसी ना किसी से तो बात करते होंगे ना बच्चे, तो अगर एक टीचर आपको एक बात पूछ रहा है तो वो बतानी आपको आनी चाहिए बच्चे। ये नॉन कम्युनिकेशन, इट विल नॉट इम्प्रूव सर्टेन थिंग्स, इट विल डिटरेट द फर्दर थिंग्स, ठीक है? क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे, एक टीचर आपसे 10 बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप एक बार भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो बच्चे टीचर का इवेंचुअली बच्चे आपके अंदर और आपका टीचर में इंटरेस्ट लूज हो जाएगा बच्चे। मेरी बात को आप समझ पा रहे? तो ये बच्चे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको जो DPP दी गई थी उसका क्या करना है बच्चे, वो आप सॉल्व कर रहे हो? वो सॉल्व कर रहे हो बच्चे आपके, नहीं कर रहे हो? आया ना? कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। मतलब कि मैं क्या करूं, उस डीपीपी को आप सॉल्व कर लोगे इस हफ्ते? हम एक एक करके डीपीपी सॉल्व करें, या मैंने आपको एक इतनी अच्छी ऑप्शन तो बच्चे कोई टीचर नहीं देता है कि सर हमसे डीपीपी नहीं सॉल्व हो रही है, आप एक एक क्वेश्चन करा दो, मैं तो उस पॉइंट पर भी आ गया, लेकिन अगर आप पूछोगे बताओगे तो काम चल पाएगा ना बच्चे, अदरवाइज तो हम चुपचाप रह जाएंगे बच्चे। बोलो क्या लगता है बच्चे आपको, क्या करना चाहिए और कब तक बच्चे हमको करना चाहिए बच्चे? शाबाश, बोलो।
सर दो तीन तीन तक हम ट्राई कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस नहीं होंगे वो बता देंगे। बस इतनी सी बात थी, चलो हो गया, दिल खुश हो गया मेरा। चलो सो आज बच्चे हम नया चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे, करंट। और इसमें सबसे पहले बच्चे हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपके पास किस तरीके से डिफाइन किया जाता है बच्चे? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बच्चा हमारे पास डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। मेरे पास यहां पर कोई एक पॉइंट है जो कि हाई पोटेंशियल पे है। ये पॉइंट बच्चा हमारे पास किसके ऊपर है? हाई पोटेंशियल पे। और यहां पर बच्चा हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है जो कि लो पोटेंशियल पे। ये बच्चे लो पोटेंशियल पे, और इनके बीच में एक कंडक्टिंग वायर को बच्चे हम यहां पर लगा देते। जब हम इन दो पॉइंट्स के बीच में एक कंडक्टिंग वायर को प्लेस करते हैं, ये कंडक्टिंग वायर क्या करती है बताओ जरा मुझे? ये कंडक्टिंग वायर मेरे पास क्या करती है जरा बताओ मुझे? ये कंडक्टिंग वायर हमारे पास करती है बच्चे, ये कंडक्टिंग वायर बच्चे हमारे पास करती है बच्चे हमारे पास कि इधर एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को करंट को जनरेट कर देती है, कि करंट आपके पास हाई से लो पोटेंशियल की तरफ को ट्रेवल करता। तो कॉन्सेप्ट नंबर वन फोकस करना बच्चे, व्हेन एवर, जब भी बच्चे हमारे पास, व्हेन एवर अ कंडक्टिंग बॉडी, मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, अ कंडक्टिंग बॉडी इज प्लेस्ड, इसको प्लेस किया जाता है बच्चे, इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, between the two points of different potential के points के बीच में इन दो bodies को हम क्या करते हैं बच्चे? Place कर देते हैं। an electric current एक electric current बच्चा हमारे पास flow, ये flow करता है बच्चा हमारे पास from the higher potential to the lower potential, from the higher potential, एक higher potential से कहां की तरफ को चलता है बच्चा आपके पास? शाबाश बोलो, towards the lower potential। यहां पर higher potential से हमारे पास यहां पर एक current चलता है towards the lower potential, इसको बच्चे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को कुछ इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, या इसी तरीके से बच्चे हम समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे हमारे पास। देखते हैं नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास मैथमेटिकली, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता क्या? फोकस करिए मैथमेटिकली the net flow of the charges, यानी कि जो charges net एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, mathematically net flow of the electric charges from one cross sectional area, एक एरिया में से नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हो जाएगा, नेट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम द वन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम जनरेट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चा हमारे पास क्या जनरेट कर देते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट को। ये बच्चा हमारे पास जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को बच्चे, ये हमारे पास जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ट डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? टाइम टेकर, डिवाइडेड बाई मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है? टाइम टेकन।
इससे बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, फोकस करंट। देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज पास कितना आ गया, डेल्टा क्यू, और टाइम कितना आ गया, डेल्टा टी। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट आई डेवलप हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज पास हो गया, यानी कि डेल्टा टी टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर इस एरिया में से कितना चार्ज पास हो गया बच्चा हमारे पास, डेल्टा क्यू का। यहां पर कितने का चार्ज पास हो गया, डेल्टा क्यू का। तो चार्ज जब इसमें से पास हुआ, नेट फ्लो हुआ, तो हमारे पास कितना करंट आ गया, आई करंट आ गया। चार्ज को हम किसमें मेजर करते हैं बच्चे, कूलम्ब, टाइम सेकंड के अंदर, तो कूलम्ब सेकंड। और इसकी एक स्पेशल यूनिट है बच्चे एम्पेयर, जिसका सिंबल बच्चा हमारे पास कैपिटल ए हो जाएगा, जिसका सिंबल बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आपके पास हो जाएगा। सैंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन बच्चे, इफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर बच्चे मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, इफ दे 10 इलेक्ट्रॉन पासेस, एक 10 इलेक्ट्रॉन पास करता है बच्चे फ्रॉम द कंडक्टर, फ्रॉम द कंडक्टर, फ्रॉम द कंडक्टर इन 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एक एरिया को क्रॉस करते हैं। In 20 second, calculate the amount of charge passed. Calculate the amount of the current passed. Calculate the amount of, क्या लिख रहा हूं बच्चे, शाबाश बोलो, amount of the current passed. यानी कि बच्चे इसमें से कितना करंट पास हुआ होगा, इसमें से कितना करंट पास हुआ होगा, सोच के देखो बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज पास हुआ होगा, तो डेल्टा क्यू। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन जितना टोटल चार्ज पास हुआ, तो 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और दिस इज 16 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब बताओ बच्चे क्या आपके पास कितना करंट पास हुआ होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जल्दी बताओ बच्चे आपके पास क्या हुआ होगा पास, डेल्टा क्यू बच्चे हमारे पास कितना है, 16 × 10⁻¹⁹ अपॉन डेल्टा टी। जल्दी बोलो बच्चे अपॉन डेल्टा टी कितने के बराबर है, 20। अब जल्दी बताओ बच्चे कितना आंसर, यहां पर बच्चा हमारे पास, यहां पर चाहे तो बच्चा आप इसको ऊपर ले जाओ, पॉइंट लिख देंगे तो 0.8 भी आ जाएगा, और 0.8 × 10⁻¹⁹ एम्पेयर का करंट आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब किसी एक एरिया में से कोई चार्जेस पास होते हैं बच्चे, तो जितने टाइम के अंदर वो चार्जेस पास हुए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आ गया, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया, हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया। अब बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट बच्चे हमारे पास यहां पर डेवलप हो गया, अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चे, तो हमारे पास यहां पर एक और चीज है बच्चे, नेक्स्ट वन बच्चे फोकस करते हैं, देखते हैं बच्चे हमारे पास यहां पर नेक्स्ट। Also, in the differential form, in the differential form, अब next आ जाएगा, in the differential form, अब बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, differential form, ये सब बच्चे मैं अभी आपको CBSE के point of view से बता रहा हूं। आपके पास current is also given by dQ upon dt, dQ upon बच्चे हमारे पास यहाँ पे dt, dQ upon dt। अब इसके अंदर से आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मेरे पास द अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग, द अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग, जो चार्ज बच्चे हमारे पास पास हो रहा है बच्चे, इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस हाफ इंटू बी इंटू टी का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ
1/6 इंटू सी टी का बच्चा हमारे पास क्यूब, ये चार्ज है बच्चा हमारे पास। नेक्स्ट पहला पॉइंट है बच्चा हमारे पास नंबर वन बच्चा हमारे पास कैलकुलेट द इनिशियल करंट। ये आपको स्कूल लेवल पे पूछा जा सकता है, मैं लिख भी देता हूं। ये पॉइंट बच्चे सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। इनिशियल करंट का मतलब बच्चे जो करंट आपको टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे मिल रहा, जरा चेक कर लेते हैं। ओके, द करंट इज गिवन बाय डी क्यू अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए। डी बाय डी टी ऑफ बच्चे हमारे पास ए टी आ जाएगा माइनस हाफ इंटू बी इंटू डी बाई डी टी ऑफ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर आ जाएगा प्लस ऑफ 1/6 इंटू सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे तो यहां पर ए आ जाएगा क्योंकि डी टी अपॉन डी टी वन है। इसको सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ हाफ इंटू बी, टी की पावर टू है तो टू इंटू टी टू माइनस वन, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। 1/6 इंटू सी, टी की पावर थ्री है तो थ्री इंटू टी थ्री माइनस वन। तो मेरे पास यहां पर करंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए माइनस ऑफ बी टी प्लस ऑफ यहां पर बच्चे हाफ इंटू सी टी का स्क्वायर, हाफ इंटू बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, सी टी का स्क्वायर। और टीचर मुझे क्या बोल रहा है, इनिशियल करंट। तो बच्चा आपका इनिशियल करंट कब आएगा जरा बता सकते हो आप मुझे, इनिशियल करंट कब आएगा जब आप टी को जीरो करोगे, तो बताओ ये कितने के बराबर है बच्चा हमारे पास, ए एम्पियर के बराबर। क्योंकि तो जब आप इसको जीरो पुट कर दोगे, इसको भी जीरो, तो बच क्या जाएगा सिर्फ ए। तो दिस इज द इनिशियल करंट, ये बच्चा हमारे पास इनिशियल करंट है। आज एमबीके स्कूल का पेपर हुआ और आप यकीन नहीं मानोगे बच्चे, एक नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चे, एक नंबर का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, ढाई पेजेस का उसका सॉल्यूशन, टू एंड हाफ। बाकी ये भी एक तरीके की बच्चे आप प्रेशर बच्चों पे क्रिएट किया जा रहा है, ढाई पेजेस का मतलब कि उस टीचर ने सिर्फ इतना देखा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, बच्चों से पूछ लिया जाता है। लेकिन बच्चे वो कहीं पर भी पांच नंबर का क्वेश्चन नहीं था, सॉरी एक नंबर का क्वेश्चन नहीं था, पूरा पांच नंबर का था। मैं आपके साथ पेपर भी अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में एमडीके का बच्चे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इजी थे और कौन कौन से क्वेश्चन इररिलेवेंट थे जिसका बच्चे आपके पास कोई लेना देना ही नहीं था। ये पहली चीज होगी। अब सेकेंड है बच्चा हमारे पास, सेकेंड है बच्चा हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा आपके पास आ जाता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। अब कैसे निकालोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आपको क्या पता कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकलेगी। मैं आपको तरीका बताता हूं बच्चों, अगेन अब ये चीज बच्चा आपको सीबीएसई वाले हो सकता है पूछे, हो सकता है ना पूछे, ये बच्चे 50-50% चांसेस हैं, लेकिन टीचर एप्लीकेशन बेस के अंदर बच्चे पूछ सकता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो 101% श्योर। अगर कोई चीज जिसका बच्चे फंक्शन आपको पता है ए माइनस बी टी और बच्चे हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा प्लस ऑफ हाफ इंटू सी टी का स्क्वायर, याद रखना बच्चे अगर वाई मेरे पास एक्स का फंक्शन है, अब ये सारी चीजें प्लस वन की है, प्लस टू का इसमें कोई रोल नहीं। अगर y x का फंक्शन है बच्चे तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिस पे y मैक्सिमम होगा, उसको निकालने का क्या तरीका होता है, dy by dx को इक्वल टू क्या कर दो जीरो कर, ये बच्चे आपके पास कहलाती है मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम। इसको बच्चे हम कौन से थ्योरम बोलते हैं बच्चे, मैक्सिमा एंड मिनिमा थ्योरम, मैक्सिमा एंड द मिनिमा थ्योरम, ये बच्चा हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा थ्योरम।
कैसे करेंगे? हमारे पास I इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस हाफ सी टी प्लस फोर। कैसे करते हैं? अगर किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो टाइम के हिसाब से ये मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है। तो बच्चे डी आई अपॉन डी टी, इसको जरा डिफ्रेंसिएशन कर दो। इसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो, इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस बी, इसकी डिफ्रेंसिएशन टू बाई टू इंटू सी इंटू टी कैंसल। और वी कैन राइट डाउन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ सी टी इज इक्वल टू जीरो, और टी इज इक्वल टू, और टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? बी बाई सी। एक बच्चा हमारे पास ऐसा टाइम आएगा, इस टाइम के ऊपर अगर आप चलते हो तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? आई इज इक्वल टू, जो हालचाल बच्चे हमारे पास पठानकोट के स्कूलों के चल रहे हैं बेटा, तो बेटा आप ये क्वेश्चन ऐसे करने स्टार्ट कर ही दोगे। मेरी एडवाइस है यार कर लो, क्योंकि यहाँ के टीचर्स को पता ही नहीं है कि सही क्वेश्चन क्या डालना और मुश्किल क्वेश्चन क्या डालना। ए माइनस बी स्क्वेयर बाई सी, और बच्चे प्लस ऑफ, यहाँ पर हाफ है, हाफ इंटू बी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर है, ये सी है, तो ये कैंसिल होके सी आ जाए। माइनस बी स्क्वेयर बाई सी प्लस हाफ बी स्क्वेयर बाई सी, ए माइनस हाफ इंटू बी स्क्वेयर बाई सी, ये पूरी टर्म है और ये बच्चे हाफ टर्म है और इसके साथ नेगेटिव है, तो अगर माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, लेकिन नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ है, बड़े के साथ, तो यहाँ पर बच्चे आपके पास माइनस आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। अब अगर आप में से किसी बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है तो वो बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम बेटा। अगर आप में से किसी बच्चे ने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जो आप ना समझ सकते। आपको सिर्फ बोलना है कि सर ये चीज आप दोबारा समझा दीजिए, मैं करवा दूंगा बेटा। शाबाश, बोलो बेटा। सर अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो फिर भी हम डी आई बाई डी टी जीरो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब यहाँ पर तूने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया बच्चे, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, तो फिजिक्स वाला ये मानता है कि दुनिया में चीजें या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। बोथ केसेस के ऊपर बच्चे रिलाय करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। इस वजह से यहाँ पर हम फिजिक्स वाले सिर्फ एक ही बात पे यकीन करते हैं, अगर टीचर ने मैक्सिमम दे रखा है तो मतलब डी आई बाई डी टी अगर जीरो करेंगे तो मैक्सिमम ही आएगा। ये बात तूने बहुत बहुत अच्छी पूछी है, लेकिन टीचर इसका इलाज पहले से आपको निकाल कर दे रहा है। वो बोल रहा है मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम निकाल लेंगे, अगर वो बोलता है मिनिमम तो इसका मतलब आंसर मिनिमम का होता। बस इतनी सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे बोलते हैं सर अगर मिनिमम पूछ ले तो, बोले ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम ही होता है या मिनिमम होता है, दोनों चीजें टीचर कभी नहीं पूछेगा। और किसी बच्चे का कोई डाउट? ओके चलिए बच्चा, और किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा इसमें से? शाबाश, बोलो। अरे यार बोला करो यार, बोला करो। पता क्या, तुम्हारी उम्र के अंदर हमें बच्चे ऐसे टीचर नहीं मिल पाए जो बोलते थे कि डाउट्स ले लो। हमें टीचर मिलते थे बेटा जो तो या तो मारते थे, डांटते भी नहीं थे, मारते थे बेटा, या बोलते ही नहीं थे। अगर उनसे डाउट पूछने जाते थे भाई साहब इतना मारते थे बेटा कि तेरी हिम्मत कैसे होगी हमसे डाउट पूछने की। हम हमारी जो उम्र बीती है बच्चे वो डर में बीती हो कि टीचर आंसर नहीं बताएगा। और मैंने उस चीज को समझा और मैं उस चीज को समझ भी पाता कि कई बार बच्चे को बहुत बहुत देर, लेकिन वो देर ना हो जाए कि आपको पहले से अच्छा अच्छा टीचर ये बोल रहा है डाउट, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अरे यार पूछ लेते फिर क्या होगा। जैसे इस बच्चे ने पूछ लिया कि सर अगर मैक्सिमम मिनिमम है, हाँ मिनिमम के लिए भी ये केस है, और टीचर को पता है कि वो मैक्सिमम पूछ रहा है या मिनिमम, तो आपको उसमें जज नहीं करना। सिंपल, जब वो मैक्सिमम पूछे तो डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक। मैं चलूं आगे बच्चे, मैं चलूं बच्चे आगे, चलूं बेटा आगे, पक्का श्योर है? अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट, यानी कि बच्चे मेरे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इसका उल्टा। इसका उल्टा कैसे बच्चे, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास आई करंट चल रहा है तो वो डी क्यू बाई डी टी है, तो यहां पर इसका उल्टा भी आ जाएगा, ध्यान से समझना। यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास किसके बराबर है बच्चे, हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज पास, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास किसके बराबर है बच्चे, दिस इज इक्वल टू करंट जो कि आपके पास चल रहा है मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल। ये भी तो हो सकता है ना बच्चे आपके पास, मल्टीप्लाइड बाई द टाइम इंटरवल। मतलब क्या होगा, टीचर ने मुझे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया इफ द करंट ऑफ 20 एम्पियर, इफ द करंट ऑफ 20 एम्पियर पासेस, ये पास कर रहा है बच्चा हमारे पास फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर में से पास हो रहा है बच्चे फॉर 8 सेकेंड, फॉर बच्चा आपके पास 8 सेकेंड या 8 सेकेंड के लिए बच्चा हमारे पास पास हो रहा है, 20 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है 8 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज पास। कितना बच्चे यहां से चार्ज पास हुआ होगा ये मुझे बताना। जी बताऊं बच्चे, मैं आपको मैं बताऊं बच्चे, बड़ा आसान, बहुत बहुत आसान। बताओ क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी, समझ रहे हो बात। और यहां पर बच्चे 20 एम्पेयर का करंट 8 सेकंड तक चला, तो बताओ बच्चे कितने का, 160 कूलम का चार्ज यहां से पास हो, 160 कूलम का चार्ज यहां से पास हो। जी लग गया पता, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे इसके अंदर से। क्या ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है, जी बिल्कुल सीबीएसई के अंदर बच्चे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई कोई ऐसी बात नहीं है बच्चे कि नहीं पूछा जा सके, बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम टाइम टी वन से लेके टी टू। अब ऐसा क्वेश्चन बच्चा आपको नीट के अंदर पूछा जा सकता है, जे में नहीं आएगा, नीट के अंदर आएगा। इसके लिए बच्चा मुझे बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द करंट थ्रू अ सर्किट, द करंट I is equal to 3t passing through a circuit, passing through a circuit, passing through a circuit, through a circuit। अब बताओ बच्चे ऊपर वाले करंट और नीचे वाले करंट में किस चीज का, यहां पर करंट बच्चे बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बच्चे आपके पास, यहां पर करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बच्चे, क्योंकि 20 एम्पेयर का करंट 8 सेकंड तक चलता रहा, तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन क्या यहाँ पर करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल, और कैसे वेरिएबल, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बच्चे करंट भी बढ़ता जाएगा। द करंट आई इज इक्वल टू 3t पासिंग थ्रू दिस सर्किट। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी, आपको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी चार्ज पास इन 2 सेकंड, कैलकुलेट दी चार्ज पास इन 2 सेकंड, इन बच्चा हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड, कैलकुलेट दी चार्ज पास इन 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज पास हो रहा होगा ये बच्चे मुझे बताओ। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि करंट नहीं है तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2, 0 से 2 टाइम है, और बच्चे आई इंटू डी टी। बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे नोट्स बच्चे कहीं पर भी आप किसी भी तरीके से बच्चे लगा सकते हो, मेरे नोट्स बच्चे आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट होंगे बच्चे, बिल्कुल कंप्लीट। इन नोट्स को खोना मत बच्चे, इन नोट्स को बच्चे कभी भी इग्नोर मत करना और खोना मत बच्चे। ये नोट्स बच्चे हमारे पास इस तरीके से क्या आपको एक एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये इन्हीं थ्योरी के अंदर उलझ के रहेगा बेटा, बाहर नहीं जाने वाला, इस बात की बच्चे मैं आपसे गारंटी लेता हूँ।
चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो जेई है, चाहे वो बच्चे वो नीट हो, इससे बाहर जाएगा नहीं। मैं कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ बच्चे। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव क्यू इज इक्वल टू थ्री, अब इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी जीरो से लेकर टू, टी की पावर वन, इस वजह से बच्चे क्यू इज इक्वल टू थ्री। और यहां पर बच्चे टी वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, और बच्चे जीरो से लेके मेरे पास आ गया टू, और यहां पर बच्चे थ्री बाई टू, और टी का स्क्वेयर, तो बच्चे अपर टू का स्क्वेयर, क्योंकि अपर माइनस लोअर जीरो का स्क्वेयर। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, आप इसमें आगे चलने से पहले, मेरी कोई बात करने से पहले ये समझ लेना बेटा कि ये प्लस वन का पार्ट है, इसमें प्लस टू का कोई रोल नहीं। कि कहीं पर आपको ये लगे कि सर कोई चीज इग्नोर करवा रहे, नहीं बेटा, इंटीग्रेशन जो होती है वो पहले प्लस वन में सिखाई जाती है, और वो इसीलिए सिखाई जाती है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, सिक्स कूलम। हाँ, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है स्किल्स, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो, आप मेरे साथ बात कर सकते हो कि सर ये नहीं आती है, सर ये नहीं पता लग पा रहा हमें, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, जैसे टी की पावर एन डी टी। और बच्चा हमारे पास ये लोअर लिमिट है ए और अपर है बी, तो इसकी पावर एन है, तो इसका फॉर्मूला होता है टी एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, और लिमिट्स क्या है बच्चे, बी और ऊपर ए। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास ए की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन माइनस ऑफ b की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है जल्दी से बच्चे मुझसे पूछिए, शाबाश, जल्दी से कि सर मेरा ये डाउट है आप क्लेरिफाई कर दे, ताकि फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलूं, शाबाश, मैं तभी बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल पाऊंगा बच्चे, बड़े आराम से बोलो, शाबाश, ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर, क्लियर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, बच्चा आपके पास क्या चीज आती है, ये खत्म होगी बात पहली, अब आती है बच्चे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। कोई भी फिजिक्स का बच्चे कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अब आते हैं बच्चे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, और ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं, बहुत आगे तक जाते बच्चे। अब आते हैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चे नंबर वन कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे मेरे पास आई किसके बराबर होता है, डिवीजन ऑफ द चार्ज अपॉन टाइम, डिवीजन ऑफ द चार्ज अपॉन टाइम। इस वजह से बच्चे जब भी आप, अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, जब भी आप बच्चे यहां पर देखते हैं बच्चे चार्ज, और यहां पर बच्चे आप अगर लगाते हो टाइम, तो इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो बच्चे हमारे पास स्लोप होगी, ये वाली बच्चे जो आपके पास ये स्लोप हो जाती है टेंजेंट ऑफ थीटा, ये टेंजेंट ऑफ थीटा आपको किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा बच्चे, करंट के, ये बच्चे करंट के प्रोपोर्शनल। सैंपल क्वेश्चन एग्जांपल, मेरे पास दो कंडक्टर हैं बच्चे, ये बच्चा अमाउंट ऑफ चार्ज पास है, एक ये वाला और एक बच्चा हमारे पास ये वाला, ठीक बेटा। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, अब ध्यान से देखते हैं, ये बच्चा हमारे पास है चार्ज, और ये बच्चा हमारे पास है टाइम, ये कंडक्टर आ गया ए और ये कंडक्टर आ गया बी, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। अब टीचर ने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा, पहला टीचर आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन टीचर भाई साहब आपसे ये पूछेगा, विच कंडक्टर हैज मोर करंट, बोलो बच्चे, विच कंडक्टर हैज मोर करंट, बोलो, विच कंडक्टर हैज मोर करंट, हैज मोर करंट, बोलो, ए या बी, ए या बी, हाँ बोलो बच्चे, बिल्कुल ए हो जाएगा बच्चे हमारे पास। और अगर टीचर रेशियो ऑफ करंट पूछे आई ए अपॉन आई बी, अब ऐसा क्वेश्चन आपको सीबीएसई वाले पूछ सकते हैं, और जरूरी नहीं है इसी कॉन्सेप्ट को वो आगे भी लेके जा सकता है कहीं पर भी, कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस कम है। अब जिसमें करंट ज्यादा चलेगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट क्या होगा, कम। टीचर कुछ भी बना देगा यार, तुम अपना भेजा ओपन रखो
और टीचर से बात करते रहो, और करंट ऑफ आई ए और आई बी, तो ये कितना आ जाएगा बोलो बच्चे, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री अपॉन टेंजेंट ऑफ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास बोलो 30 डिग्री, ये बच्चे रूट थ्री, ये 1/√3, तो कितना आंसर आ गया 3:2। तो बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ गया बच्चे 3:1, तो एक √3 है और दूसरा बच्चे 1/√3 है, और इसके रेशो बच्चा हमारे पास किसके बराबर है 3:1। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर कोई दिक्कत है ग्राफिकली तो आप मुझसे बोल सकते हो। मैं इसको एक और वर्ड में लिख देता हूं बच्चे, याद रखना ये बात बच्चे, आप हमेशा याद रखना स्लोप, याद रखना बच्चे स्लोप ऑफ बच्चा हमारे पास करंट, स्लोप ऑफ चार्ज, स्लोप ऑफ बच्चा हमारे पास चार्ज, जो स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ये बच्चा आपको क्या देती है गिव्स करंट, ये बच्चा आपको देती है गिव्स करंट, ये आपको करंट की वैल्यू देती है, ये बच्चा आपको किसकी वैल्यू देती है बच्चे करंट की वैल्यू देती है, एक मिनट, ये बच्चा आपको करंट की वैल्यू देती है, ये बच्चा आपको करंट की वैल्यू देती है, द स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द करंट, ये बच्चा आपको करंट देती है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे आप हमेशा जिंदगी में याद रखना, इसको बच्चे आप हमेशा जिंदगी में याद रखना। अब आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की बात, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे अब मेरे पास सेकंड पॉइंट एरिया, याद रखना मेरे पास अमाउंट ऑफ चार्ज पास किसके बराबर है बच्चे आपके पास, ये बच्चे आपके पास है करंट इनटू द टाइम, तो इससे क्या पता लगता है देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे बच्चे मुझे पता ये लगता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे करंट वर्सेस बच्चे हमारे पास टाइम, अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर है करंट वर्सेस टाइम वर्सेस बच्चे हमारे पास टाइम, इस ग्राफ में जो भी बच्चे आपके पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का किन्हीं भी दो पॉइंट्स का या किन्हीं भी दो पॉइंट्स का जो टाइम आपके पास होगा उसको अगर हम आपस के अंदर बच्चे एरिया निकालने के लिए यूज करें ऐसे, ये बच्चे मैं एरिया निकाल लेता हूँ एरिया, तो क्या हो जाएगा ये जो बच्चा हमारे पास एरिया होगा ये एरिया ऑफ ए बी सी और डी, एरिया ए बी सी डी, ये बच्चा मुझे क्या देगा अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, फिर देख लीजिए बच्चे अमाउंट ऑफ चार्ज पास, ये भी आपको सीबीएसई में पूछा जा सकता है, ये भी बच्चा आपको सीबीएसई में पूछा जा सकता है, ये भी बड़े आराम से आपको सीबीएसई के अंदर बच्चे पूछा जा सकता है, घबराना मत बड़े आराम से कर लो। एरिया निकालना हर बच्चे को आता है यार, ऐसा कोई बच्चा बताओ जिसको एरिया नहीं निकालना होता, मैं बोलता हूँ यार तुम बड़े आराम से एरिया निकालोगे, क्वेश्चन देखो क्या बच्चे क्वेश्चन है बच्चे, ये मेरे पास ऊपर करंट है और इधर टाइम है, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या बन गया इस तरीके से एक एरिया आ गया बच्चे, और मेरे पास यहाँ पर करंट है बच्चा आपके पास 10 एम्पेयर का यहाँ पे टाइम है बच्चा हमारे पास 2 सेकंड का, और यहाँ पे टाइम आ गया बच्चे 5 सेकंड का, और ये बच्चा हमारे पास ऊपर आ गया करंट और नीचे बच्चा हमारे पास आ गया टाइम, ओके। अब टीचर मुझे बोलता है कि आप बताएं 5 सेकंड तक इसमें से कितना चार्ज पास हुआ, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ड इन 5 सेकंड, बताओ सबसे पहले हम इसका एरिया किसका लेंगे बच्चे बोलो, ये एरिया किसका एरिया बच्चे बोलो शाबाश, और ये एरिया किसका एरिया बच्चे कोई बच्चा बताए, तो अमाउंट ऑफ द चार्ज पास कितने के बराबर है, हाफ इंटू बेस जो कि बच्चे 2 के बराबर है इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ऑफ आपके पास बच्चे 2 × 5 2 − 5 3 × 10 30, तो बच्चे 3 × 10 30, तो बताओ बच्चे 10 प्लस ऑफ 30 बताओ कितने के बराबर आ जाएगा 40 कूलम के आसपास का चार्ज आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास कितने का चार्ज आ जाएगा बच्चे 40 कूलम का चार्ज आ जाएगा, कितने का चार्ज आ जाएगा बच्चे 40 कूलम का चार्ज आ जाएगा जी जी, लग गया पता बच्चे आपको,
लग गया पता बच्चे आपको? बताओ मुझे, शाबाश। कोई दिक्कत इसके अंदर से एरिया निकालने के अंदर? यानी कि जब भी टीचर आपसे ये दो से चार क्वेश्चन पूछेगा, यार आप में इतनी हिम्मत इतनी कुव्वत होती है, आप में से कोई बच्चा इतना बेवकूफ भी नहीं है बेटा कि उसको डिफ्रेंसिएशन करना ना आता हो, मल्टीप्लाई करना ना आता हो, डिवाइड ना करना आता हो, सब कुछ करना आता हो। ये अब समझ में आ गई बात बच्चे आपको? समझ में आ गई बच्चे बात आपको? अब चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट बच्चे। अब कॉन्सेप्ट है बच्चे, चलो चार्जेस चल पड़े, चलो हमारे पास चार्जेस चल पड़े। सबसे पहले बच्चे बात की जाएगी कंडक्टर्स की बच्चे। कंडक्टर्स के अंदर कौन से चार्जेस ट्रेवल करते हैं बच्चे बताओ जरा मुझे? कंडक्टर्स के अंदर कौन से चार्जेस ट्रेवल करते हैं बच्चे? शाबाश बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर बच्चे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चे हमारे पास ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्टर्स देखो जो हमारे आसपास है वो कंडक्टर्स हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्जेस कहलाते हैं या चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं। और अब ध्यान से समझना बच्चे, फोकस करना। हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ को जाते हैं? या हाई टू लो पोटेंशियल जाते हैं कि लो टू हाई पोटेंशियल जाते हैं? बोलो शाबाश। बोलो आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ की तरफ को जाते हैं? बोलो शाबाश। बोलो बेटा ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते? शाबाश बोलो। आपके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी? बोलो बच्चे। नेगेटिव। यानी कि बच्चे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे दे मूव्स फ्रॉम ये मूव करते हैं बच्चे फ्रॉम द लो टू हाई पोटेंशियल। और इनकी मोशन की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट बनता है। ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट बन जाते। और बच्चा हमारे पास जो आपका करंट है बच्चे, जो करंट आप शो करते हो बच्चे, जो आप डिनोट करते हो, शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो, डिनोट करते हो, आप ड्रॉ करते हो बच्चे, वो बच्चे आप ड्रॉ करते हो कहां से कहां पर बच्चे? हाई टू लो पोटेंशियल। आप इसको हाई टू लो पोटेंशियल बच्चे आप ड्रॉ करते हो और ये कन्वेंशनल करंट। ये बच्चा हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। आप किसी भी सर्किट में कौन सा करंट ड्रॉ करते हो? हमेशा कन्वेंशनल करंट। हमेशा बच्चे आप कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करते हो। अब ध्यान से समझो, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमारा जो करंट है बच्चे, जो हमारे पास यहाँ पर करंट है बच्चे, वो आपके पास यहाँ से यहाँ की तरफ को चलेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ। ये कौन सा करंट है बच्चे आपके पास बताओ? ये कौन सा करंट होगा बच्चे हमारे पास? ये कन्वेंशनल। लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पर चलते हैं बच्चे हमारे पास? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर को चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बच्चा हमारे पास करंट बनता है बच्चे, वो बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये बच्चा आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और ये कौन सा करंट है बच्चा आपके पास? कन्वेंशनल करंट। ये बच्चा हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। तो आपके दिमाग में पता है क्या क्वेश्चन आना चाहिए? मैं बताऊं कि सर अगर ये नेगेटिव के वजह पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट बनता तो क्या होता? तो फिर क्या होता? और फिर बच्चा हम इनको कैसे एक्सप्रेस करते? अब ध्यान से समझना बच्चे, फोकस करो। हमारे पास नंबर वन बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, अगर हम गैसेस की बात करें या फिर बच्चे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर करंट कौन कौन कैरी करता है बच्चे आपके पास बताओ? करंट इज कैरीड बोथ बाय करंट कौन कौन कैरी करता है बच्चे हमारे पास? बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये बच्चा हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये बच्चा हमारे पास यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोड है।
ये बच्चे हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये बच्चे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अब बताओ क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ की तरफ को जाएंगे, जरा बताओ बच्चे। ये बच्चा आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ की तरफ को जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ की तरफ को जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और बताओ बच्चे क्या आपके जो प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ की तरफ को जाएंगे, वो इस तरफ को जाएंगे बच्चे आपके पास। ये बच्चा आपके पास इस तरफ को जाएंगे और इसकी वजह से बच्चे करंट बनेगा। ये क्या है बच्चा हमारे पास, नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयंस है जो यहाँ चल रहे हैं और ये कौन से आयंस है बच्चा हमारे पास, पॉजिटिव आयंस। इस सिस्टम में करंट कहां से कहां पर चलेगा, इस सिस्टम के अंदर करंट कहां से कहां चलेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो क्या समझे बच्चे आप बताओ बच्चे कि आप क्या समझे कि हमारे पास जो करंट बनता है बच्चे, ये करंट दोनों की वजह से बनता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वजह से। और जो करंट बच्चा हमारे पास यहां पर आएगा, ये बच्चा हमारे पास है एन वन, ये बच्चा आपके पास एन टू, तो हमारे पास आएगा N1E प्लस ऑफ N2E और डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा। इसके अंदर दोनों एक करंट आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाकर करंट बना रहा है और ये बच्चे इससे उल्टा चल के करंट बना रहा है और दोनों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं आपसे एक चेक पॉइंट ले लेता हूं, जरा मैं एक चेक पॉइंट ले लूं उसके बाद मुझे बात ये समझ में आ जाएगी कि आपको पता लगता है कि नहीं लगता। सबसे पहली चीज, अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं बच्चे और 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, करंट आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? दूसरा, अगर बच्चे मेरे पास यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं और बच्चे मेरे पास 5 पॉजिटिव चार्जेस यहां जा रहे हैं तो आपके पास करंट कितना हो जाएगा? और तीसरा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं बच्चे और 5 पॉजिटिव आयंस भी यहीं पे जा रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव, तो आपके पास करंट कितने के बराबर है? जी, पहले केस के अंदर से अब 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, 5 यहां पर, तो नेट इलेक्ट्रॉन, नेट कितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं बताओ? 5, 10 यहां पर, 5 यहां पर, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन अपॉन डेल्टा टी। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं और 5 यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये 15 आ जाएगा, 15e अपॉन बच्चे डेल्टा टी। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं 5, तो यहां पर बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा? अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो यहां पर 5e अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। ये पॉइंट बच्चा आपने हमेशा अपने दिमाग में, ये चेक पॉइंट है जिससे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी, बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छे से बच्चे, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट बनाते हैं। मैं आपकी सारी बातें मान गया कि इलेक्ट्रॉन करंट बनाते हैं, बट अगर 10 नेट है ना बच्चे, नेट आपके पास ये यहां जा रहे हैं और ये यहां जा रहे हैं, तो इन दोनों को अब आप ऐड नहीं करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि नेट 5 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, 5 पॉजिटिव आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस तरफ को करंट बना रहा है, ये भी इस तरफ को करंट बना रहा है, तो इसकी वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं तो इसका करंट उल्टा बना और 5 पॉजिटिव की वजह से करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में बन गया, यहां पर 5 ही आए, यहां पर बच्चा हमारे पास 5 ही आए। इस पॉइंट को बच्चे ध्यान से समझना। हालांकि अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, आपके CBSE के हिसाब से सिर्फ यही पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा दिया लेकिन सिर्फ यहीं तक कहा नहीं बच्चे, टीचर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बनाएगा बच्चे कि मेरे पास है N2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और N1 नेगेटिव राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, कितना करंट बनेगा? तो यहाँ पर बीच में बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको दोबारा सीखना है तो आप मुझसे कह सकते हो, शाबाश। कोई कॉन्सेप्ट बच्चा अगर दोबारा सीखना है तो वो आप बच्चे मुझसे कह सकते हो बच्चे, बोलो शाबाश। सर ये जो आई का फॉर्मूला निकाला था एक बार फिर से सुना देना, कौन से वाला बच्चा? प्लस क्यों आया था उनके बीच में, प्लस क्यों है? देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए,
conventional current flows against motion of electrons. सही या गलत बच्चे? जो कन्वेंशनल करंट होता है बच्चे, ये फ्लो करता है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास यहाँ पर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पर है बच्चे, बताओ जरा मुझे। नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बच्चा आपके पास करंट आया ड्यू, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चा आपके पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक बच्चे? ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, इसकी वजह से जो छोटा सा करंट बना होगा वो कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा। इस ब्लैक कलर की वजह से जो करंट बना होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो लेफ्ट टू राइट बना होगा बच्चे, हाँ या ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट बन गए, ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट। कन्वेंशनल करंट फ्लोस अलोंग दी मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, मोशन ऑफ द पॉजिटिव आयंस। तो बच्चा हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट होता है बच्चे, वो पॉजिटिव आयंस के साथ साथ चलते हैं, पॉजिटिव आयंस के साथ साथ चलते हैं। आपका पॉजिटिव आयन कहाँ से कहाँ चल रहा है बच्चे, बताओ जरा, बताओ कहाँ से कहाँ पर चल रहा है? तो आपका करंट भी बच्चे आपके पास कहाँ से कहाँ चल रहा है बच्चे, नेगेटिव टू दी पॉजिटिव। तो ये बच्चे ई प्लस की वजह से। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का जो कन्वेंशनल करंट है और बच्चे पॉजिटिव आयंस का जो कन्वेंशनल करंट है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है बच्चे, बता जरा? सेम होगी। इस वजह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में मेरे बच्चे? यस सर। पर तब अभी तो इसके ऊपर दिमाग लगाएगा, तुझे अपने आप पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ क्यों माइनस किया, यहाँ क्यों प्लस किया और यहाँ पर क्यों माइनस किया, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। बस तू इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेगा, तुझे समझ में आ जाएगा। कन्वेंशनल करंट ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बच्चा हमारे पास मैटर करता है। देख मैं तुझे समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन आ गए और क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अलोंग विथ फाइव पॉजिटिव आयंस, अलोंग विथ फाइव पॉजिटिव आयंस, यानी कि फाइव पॉजिटिव आयंस भी लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं बच्चे इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के अंदर बच्चे। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ दी करंट पास्ट। कैलकुलेट क्या करना बच्चा आपने बताओ, अमाउंट ऑफ करंट पास्ट। जी बोलो बच्चे, कैसे करोगे? सर 1 कूलम। अच्छा अब बताओ, सबसे पहले बताओ कि इन दोनों के लिए आप ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे? शाबाश बोलो। एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ऐड नहीं करेंगे। बताओ क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? एग्जैक्टली क्योंकि बच्चा हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट गए 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बच्चा आपका कन्वेंशनल करंट यहाँ बना, ये इलेक्ट्रॉन का कन्वेंशनल करंट है बच्चे। और अगर 5 बच्चा हमारे पास पॉजिटिव आयंस यहाँ पर जा रहे हैं, तो इनका कन्वेंशनल करंट बच्चे यहाँ बन रहा है आपके पास। तो ये दोनों कन्वेंशनल करंट बच्चे सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वजह से जो नेट करंट होगा वो बच्चा हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइनस और बच्चे ये बच्चा पॉजिटिव आयंस अपॉन डेल्टा टी, समझे? जो बच्चा अब आप समझो कि आप कितनी बड़ी बात कहेंगे, क्योंकि ये जो बच्चा रट्टा मारता है वो हमेशा प्लस सोचेगा। जो बच्चा समझेगा कब प्लस करना है कब माइनस करना है, यही फिजिक्स है बच्चा, यही फिजिक्स है। आपका दिमाग काम करना चाहिए, क्यों मैंने माइनस किया? और अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या करता फिर बताओ? अगर फिर प्लस आ जाता, फिर बच्चे प्लस आ जाता। क्यों प्लस आ जाता? क्योंकि मान लो कि पॉजिटिव आयंस भी आपके पास राइट टू लेफ्ट चल रहे होते, उल्टा हो जाता, तो फिर बच्चे इसका करंट क्या हो जाता बच्चे, इसी डायरेक्शन में हो जाता जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऐड हो जाते।
अब बताओ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5e/5 बच्चे हमारे पास, क्योंकि 5 सेकंड है, ये 5 से 5 कैंसल, 1.6 × 10⁻¹⁶ एम्पेयर का करंट चल रहा है। इतनी सी बात कर रही है बच्चे, पूरे में से पूरे नंबर ले जाओ। बोलो अब लग गई बात पता बच्चे आपको, कोई दिक्कत है इसके अंदर से तो आप बता सकते हो। शाबाश, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं बच्चे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बच्चे अब हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ के आइएगा, कोई दिक्कत आए बच्चे तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और कल बच्चे हम इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, 5 या 10 क्वेश्चन है, फटाफट करके साइड पे मारना बच्चे क्वेश्चन को। चलो ओके बच्चे, बाय बाय।